तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम जानेंगे कि डर के अलग अलग कितनी अंग्रेजी होती है। इसमें हमने कुछ इजी वर्ड्स नहीं लिखे हैं, जैसे एफरेट हो गया या फियरफुल हो गया या फियर हो गया, इस टाइप के वर्ड्स नहीं लिखे हैं। लेकिन जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इसके अलावा भी और वर्ड्स हो सकते हैं। हमने कोशिश किया है जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है केवल उन्हीं वर्ड्स को इसमें जो है हमने लिखा है, और हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आपको ध्यान से सुनना है, आपको स्पेलिंग देखना है, और साथ में आपको साउंड और प्रोनंसिएशन जो है उस पर आपको पकड़ बनानी है, ठीक है। तो सबसे जो पहला वर्ड है वह है आपका पेट्रीफाइड, 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 PETRIFIED। पेट्रीफाइड मीन्स होते हैं इतना डरा हुआ कि व्यक्ति हिल भी नहीं सकता। कई बार होता है ना, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम इतना डर जाते हैं कहीं पर में कि हम वहाँ से हिल भी नहीं पाते हैं, तो उसी को पेट्रीफाइड कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड, STARTLED, STARTLED, स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड। आर के बाद आपको टी मिलेंगे इसमें, तो आर को साइलेंट किया जाएगा क्योंकि आर के बाद टी जो है वो कॉन्सनेंट है। तो स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड की मीनिंग है अचानक डर पैदा होने की प्रक्रिया। बचपन में आप लुक्का चोरी के खेल खेलते होंगे, या कई बार आप जो है देखते होंगे कि कोई किसी को अचानक डरा देता है छुप करके कहीं दीवार के पीछे या कहीं पर में, और अचानक जब वो व्यक्ति सामने आता है तो क्या हो जाते हैं, यही वर्ड जो है वहाँ पर में इस्तेमाल होता है, तो इसी को स्टार्टल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका एंक्शस, 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 ठीक है, ANXIOUS, ANXIOUS, एंक्शस। एंक्शस मीन्स होते हैं अनिश्चित परिणाम के लिए चिंतित। मान के चलिए कोई अनसर्टेन कुछ घटना होने वाली है, आउटकम्स है, और उसके लिए आप परेशान हैं, तो उसमें आपको जो है आपको एंक्शस आएंगे और इसके कारण आपके अंदर डर बना रहता है। नेक्स्ट है आपका वरीड, वरीड, ध्यान से देखिएगा, WORRID है, यहाँ पे डबल आर है और आर के पीछे भी वॉवेल है और आर के आगे भी वॉवेल है। तो कभी भी अगर आर के पीछे भी वॉवेल रहे और आर के आगे भी वॉवेल रहे, तो पहली बात तो आर को रोलिंग साउंड करके बोला जाता है, और यहाँ पे क्योंकि डबल आर है तो पहला तो है WR वर और RID रीट, तो वरीड, वरीड, तो वरीड का मीनिंग है संभावित या वास्तविक समस्याओं के बारे में चिंतित। कोई घटना घटने वाली है या कोई वास्तविक चीज़ है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और इसके कारण आपके मन में डर बना रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है अलार्म्ड, अलार्म्ड, यहाँ भी आर के बाद एम है तो आर को साइलेंट करके बोला जाएगा अलार्म्ड, तो ALARMED, अलार्म प्रिंस होते हैं किसी को डर या खतरा की स्थिति पैदा किया हुआ। किसी व्यक्ति को आपने डरा दिया या उसको बता दिया कि तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, अलार्म्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एप्रिहेंसिव, एप्रिहेंसिव, APPREHENSIVE, एप्रिहेंसिव, एप्रिहेंसिव, एप्रिहेंसिव मीन्स होते हैं कुछ बुरा या दुखद होने की चिंता। आपके मन में ऐसा लगेगा कि पता नहीं शंका छा जाएगा कि कुछ होने वाला है, कुछ अनहोनी होने वाला है, तो ऐसे जगह पर में एप्रिहेंसिव का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है स्टंट, स्टंट, हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं, इससे भी अच्छे से बोला जा सकता है स्टंट। तो स्टंट जो है आपका उसके स्पेलिंग है STUNNED, STUNNED, स्टंट। स्टंट का मतलब चकित आश्चर्य, कुछ पल के लिए तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपने जो देखा है और आपने जो सुना है वो आपको मतलब विश्वास होगा, चाहे ये कोई घटना हो, चाहे आपने कोई न्यूज़ देख लिया हो, चाहे आपको किसी ने कुछ बताया हो, तो कुछ पल के लिए टेम्पररली जो है आप उस चीज़ को बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद हो सकता है उसके ऊपर आपको विश्वास हो जाए, लेकिन उस समय आप क्या हो जाएंगे,
स्टंट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, फिर से यहाँ वही चीज़ है, डबल आर के पीछे भी वॉवल है और आगे वॉवल है, तो क्या बोलेंगे इसको? टेरोरिफाइड, टेरोरिफाइड, आर को रोलिंग करके बोलेंगे, टेरोरिफाइड, टेरोरिफाइड। ठीक है, तो यह है टेरोरिफाइड। तो टेरिफाइड के मीनिंग होते हैं काफ़ी डर महसूस होने का कारण होना। ठीक है, आपके अंदर में ऐसा फीलिंग होने लगेगा कि आपको काफ़ी डर हो रहा है और डर के मारे आप त्रस्त हो जाएंगे, तो उसको टेरोरिफाइड कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है शॉक्ड, शॉक्ड, SHOCKED, शॉक्ड मीन्स होते हैं किसी को परेशान या आश्चर्य में रखने का कारण होना। आपने किसी को परेशान कर दिया, आश्चर्य में रख दिया, उसको क्या करते हैं आप, शॉक का फीलिंग करा देते हैं, तो वहाँ पे इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे बोलते हैं कई बार, आई वॉज शॉक्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वही चीज़ है, डबल आर के पीछे भी वॉवल है और आगे भी वॉवल है, तो क्या बोलेंगे इसको, HORRIFIED को, हॉरिफाइड, 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 हॉरिफाइड। ठीक है, तो ये जो हॉरिफाइड है इसका मीनिंग है डर से भरा हुआ, काफ़ी सहमा हुआ। आपने कई बार सुना होगा हॉरिबल हाउस, मतलब डरावना मकान या डरावना घर है, या हॉरिफाइड है, या हॉरिबल मूवीज़ है। ठीक है, आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डर जाएंगे, आप सहम सा जाएंगे, तो उसी को यहाँ पर में हॉरिफाइड कहा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, वह है आपका कंसर्न्ड। कंसर्न्ड के मीनिंग है चिंतित। ठीक है, जैसे पुलिस आर कंसर्न्ड अबाउट आर सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे चिंतित है, और चिंता क्यों है, क्योंकि पब्लिक की सिक्योरिटी करनी है, तो उनके मन में भी डर बना हुआ है, तो इसके कारण से ऐसे वर्ड जो है डर से बहुत मिलते जुलते हैं, कंसर्न्ड। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट है फ्राइटेंड, फ्राइटेंड, FRIGHTENED, फ्राइटेंड मीन्स डर, चिंता। ठीक है, इसके बाद है स्पूक्ड, स्पूक्ड, SPOOKED, स्पूक्ड मीन्स डरा हुआ, परेशान किया हुआ। हालांकि इस वर्ड का यूज़ किया जाता है ज़्यादातर कि मान के चलिए आप चल रहे हैं रास्ते में, और चलते चलते कुछ ऐसा आपको आभास हुआ और वो चीज़ आपको घबरा दिया, डरा दिया, तो वहाँ पे स्पूक्ड का यूज़ किया जाता है। इसमें कोई पर्सन भी आ सकता है, कोई एनिमल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है आपका डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट, DISTRAUGHT, डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट। और ये जो डिस्ट्रॉट है इसके मीनिंग है काफ़ी चिंतित या घबराया हुआ। कई बार पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों के प्रति काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉट हो जाते हैं, या काफ़ी चिल्ड्रन, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने होमवर्क के प्रति या अपने पेरेंट्स के प्रति काफ़ी डिस्ट्रॉट हो जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमने अभी कुछ वर्ड्स जो डर से संबंधित है वो हमने किए हैं, वो एक बार फिर से बोल देते हैं। इसमें है आपका पेट्रिफाइड, स्टार्टल्ड, एंग्शियस, वरीड, अलार्म्ड, अप्रिहेंसिव, स्टंट, टेरिफाइड, शॉक्ड, हॉरिफाइड, कंसर्न्ड, फ्राइटेंड, स्पूक्ड और डिस्ट्रॉट। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में कुछ नया करते हैं।